हेलो फ्रेंड्स, मैं सियरा के सिंगर रिसर्च एनालिस्ट और आपका स्वागत है हमारी डेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजारों की और आज हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स तो बताएंगे, साथ के साथ हम आपको बताएंगे एक हमारी शॉर्ट टर्म वैल्यू पिक और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजारों की। आज यानी 20 अप्रैल को आज निफ्टी ओपन हुआ 9390 पर, जो कि एक 300 पॉइंट से 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप ओपनिंग हुई। लेकिन उस वो निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि जैसा कि आपने आपको बताया था कि 9400 के लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वही हुआ और निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई और फाइनली निफ्टी ने एक 9231 का लो लगाया ड्यूरिंग द डे का। लेकिन उसके बाद निफ्टी 9230 से 9340 की रेंज में घूमता रहा और फाइनली निफ्टी ने 9267 की क्लोजिंग दी। आज का निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। कल के लिए अगर हम निफ्टी की बात करें तो कल निफ्टी में वही 9400 का लेवल एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर उस लेवल को निफ्टी अगर ब्रेक करता है और साथ ही इस ब्रेक के बाद सस्टेन भी करता है तो ही हम 9500 या 9600 के लेवल देख सकते हैं। अदरवाइज एक दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो कि 9300 से 9200 तक के लेवल हमें दिखा सकते हैं निफ्टी में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी आज ओपन गैप अप ओपनिंग हुई बैंक निफ्टी में भी, जो कि लगभग 400 पॉइंट थी। 21104 पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ और 21122 तक के लेवल हाई टच किए। लेकिन बैंक निफ्टी में 21100 के लेवल पर आज एक खास बात रही कि बैंक निफ्टी ने 21100 के लेवल को तीन बार टच किया, लेकिन तीनों बारी सस्टेन होने में नाकाम रहा और तीनों बार उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और बैंक निफ्टी ने 20444 का लो लगाया दिन में और फाइनली बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी 20523 पर। बैंक निफ्टी का चार्ट स्क्रीन पर। कल के लिए अगर हम बात करें तो कल के लिए भी 21100 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, जो कि बैंक निफ्टी अगर तोड़ता है और सस्टेन करता है तो ही हम 21500 से ऊपर के लेवल देख सकते हैं। अदरवाइज हम 20000 और 19500 तक के लेवल देख सकते हैं। अब बात करते हैं पिक ऑफ द डे की, यानी एक शॉर्ट टर्म पिक जो हम आपको दे रहे हैं उसका नाम है BHEL, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका आज का भाव है 22.55 और ये स्टॉक आप 21 से 22 रुपये की रेंज में खरीद सकते हैं। हमारे टारगेट प्राइस है 25 से 26 रुपये के, जो कि लगभग 14% अपसाइड दे रहे हैं अगले 15 से 30 दिन में। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 19.50 का क्लोजिंग बेस पर। स्टॉक रिसेंट वीकली चार्ट पर बहुत ही स्ट्रांग मूव दे रहा है, साथ ही एक जो RSI है वो भी वीकली और डेली बेस पर एक रिवर्सल दिखा रही है। साथ ही स्लो स्टॉक स्टैटिस्टिक ने सेंट्रल लाइन को क्रॉस किया है डेली बेस पर, तो ये हमारे इस स्टॉक को लेने की वजह है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है मिस्टर लखन पांड्या का HDFC लाइफ पर। वो इसको पूछ रहे हैं कि अगले 3 साल में ये स्टॉक में कहाँ तक पोजीशन हो सकती है। तो आज का भाव HDFC लाइफ का 508 है। टेक्निकली अगर मैं डाउनसाइड में बात करूँ तो 425 के आसपास एक स्टॉक में बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पर कि स्टॉक बाई किया जा सकता है। और ऊपर में अगर 550 का लेवल ब्रेक करता है स्टॉक तो हम 600 रुपये तक के लेवल देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगर 3 साल की, तो हमें 3 साल में यहां से एक अच्छी अपसाइड की गुंजाइश है, जो कि 800 रुपये तक हो सकती है। हमारा व्यू हर गिरावट पर खरीदारी का स्टॉक में है। साथ ही अगर आपके किसी पार्टिकुलर स्टॉक को लेकर कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर लिखें, हम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारी वीडियो को देखते रहें और मुनाफा कमाते रहें। घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।